Welcome to Coding Gyan. Today, we will explore the topic What is state in React? So let's start. पिछली वीडियो में मैंने आपको props के बारे में बताया था अच्छे से एक small project के through. Props, it is an object that holds information to control the behavior of a particular component. और ऐसे ही definition state की भी है. तो फिर props और state में क्या difference होता है? काफी noticeable difference होता है. Props immutable होते हैं, यानी कि अगर हमने एक बार props को set कर दिया तो हम उसको change नहीं कर सकते हैं, लेकिन state को हम change कर सकते हैं और state को हम सिर्फ class components में ही use कर सकते हैं. Props के पास ऐसी कोई limitation नहीं होती है. तो अब मैं अच्छे से आपको state के बारे में implement करके जब बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. So अभी कुछ भी implement करने से पहले मैं फिर से आपको state की definition बताऊंगी. State एक structure होता है जिसका हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए. और एक ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, एक अपडेटेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं. वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था प्रॉप्स और स्टेट के बीच में डिफरेंस, और वहाँ पर अच्छे से ये बात क्लियर कर दी थी कि हम स्टेट को सिर्फ क्लास कॉम्पोनेंट्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्लास ऐप एक्सटेंड्स कॉम्पोनेंट, एक क्लास कॉम्पोनेंट मैंने क्रिएट कर रखा है. सो अब स्क्रीन पर हमें क्या करना है, एक हेडिंग को डिस्प्ले करवाना है. सो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेंडर मेथड के अंदर मैं रिटर्न करवा रही हूँ हेडिंग को हेलो पीपल, और index.js के अंदर ऐप कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे. और लेट्स सी दी चेंजेस. ये देखिए यहाँ पर हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो रही है. अब क्योंकि स्टेट जो है वो स्ट्रक्चर है, यानी कि कॉम्पोनेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेट स्टोर करेगा. मुझे क्या करना है, मुझे इस पीपल को एक स्टेट के अंदर स्टोर करवाना है. उसके लिए हम स्टेट को क्रिएट करेंगे. सबसे पहले रेंडर मेथड से पहले स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है. सो अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट करी होगी तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स तो पता ही होगा. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं नेम, और उसके अंदर पास कर देंगे हम पीपल. और अब क्या करना है, मुझे इसको एक्सेस भी तो करवाना है ना यहाँ पर, और पीपल यहाँ पर हटा दिया. और सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें देना होता है दिस, उसके बाद हम देते हैं स्टेट और जो भी स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी जिसको हमें यूज़ करना है. यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है. सो और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया. लेट्स सी दी चेंजेस नाउ. अब भी कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले हेडिंग डिस्प्ले हो रही थी अब भी वैसे ही हो रही है. कंपोनेंट के अंदर स्टेट को कहीं पर भी अगर आपको रेफर करना है उसके लिए ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉपर्टी नेम, क्योंकि ये स्टेट की प्रॉपर्टी ही है ना नेम, और ये उसकी वैल्यू है. सो होप्स आपको ये मेथड समझ में आ गया अच्छे से कि कैसे हम स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रेफर कर सकते हैं. अब ये तो था फर्स्ट वे कि कैसे आप स्टेट को क्रिएट कर सकते हो. एक और वे भी होता है, वो होता है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. क्योंकि जब भी कोई क्लास कंपोनेंट क्रिएट होता है सबसे पहला मेथड जो कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर ही होता है. सो इसीलिए वो एक सही जगह है जहाँ पर हम स्टेट को ऐड कर सकते हैं. यहाँ से इसको फिलहाल नीचे लेके आए और यहाँ पर कॉल करा कंस्ट्रक्टर, कर्ली ब्रेसेस दे दी. और यहाँ पर मैं प्रॉप्स भी पास करूँगी. अभी मैं बताऊँगी आपको कि हम प्रॉप्स का कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद जब भी हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ना तो हमें क्या करना होता है, जो ये हमारी पेरेंट क्लास है कंपोनेंट उसके कंस्ट्रक्टर को भी हमें कॉल करना होगा. और वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग सुपर, और यहाँ पर पास कर दिया प्रॉप्स. ये तो थी एक जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है नेम, जिसके अंदर वैल्यू दे रखी है पीपल. अब खुद की एक कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है मुझे. सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रॉप्स का यूज करना होगा. और प्रॉप्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को सेंड कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉप्स के बारे में डिटेल में नहीं पता तो मैं आपको कहूंगी जरूर कि आप प्लीज वीडियो को रेफर पर चैनल पर जो वीडियो डली हुई है उसको रेफर करिए. अब index.js फाइल खोली और यहाँ पर मैं एक खुद की एक प्रॉपर्टी दे रही हूँ ऐप
कंपोनेंट के अंदर रोल और उसको वैल्यू दे दी 108। ऐप डॉट जे एस खोला, यहां पर दिस डॉट एट, यहां कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे, सेमीकॉलन आएगा और इसके बाद इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस दिए और जो ये नेम प्रॉपर्टी दे रखी है उसको कॉपी करा एंड देन यहां पर प्लेस कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी के अलावा भी तो हमने कस्टम प्रॉपर्टी खुद की क्रिएट करी है ना रोल नाम से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कंपोनेंट के अंदर भी वो प्रॉपर्टी पास कर रखी है, सो उसको एक्सेस करेंगे ना प्रॉप्स की हेल्प से। रोल दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल, जब भी हम सुपर को कॉल करते हैं अलॉन्ग विद प्रॉप्स तो रिएक्ट क्या करेगा, इट विल मेक प्रॉप्स अवेलेबल अक्रॉस द कंपोनेंट। और वो कैसे करवा रहा है प्रॉप्स को अवेलेबल, यूजिंग दिस डॉट प्रॉप्स। दिस डॉट प्रॉप्स की हेल्प से हम प्रॉप्स को अवेलेबल करवा रहे हैं पूरे कंपोनेंट में। और किस प्रॉप्स को अवेलेबल करा रहे हैं, जो हमने यहां से प्रॉपर्टी जो है पास करी है रोल। सो इसके बाद हेडिंग के अंदर रोल नंबर इस, और एक्सेस भी तो करवाएंगे ना, अब स्टेट को कैसे एक्सेस करवाएंगे हम। सबसे पहले सिंटेक्स होता है दिस, उसके बाद स्टेट एंड देन द प्रॉपर्टी नेम रोल। नाउ लेट सी दी चेंजेस। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना रोल नंबर इज 108। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देती हूँ कलर, दे दी रेड। यहां पर एक्सेस कर लिया दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। ये देखिए यहाँ कलर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करना है, यानी कि हमें स्टेट को चेंज करना है। वो हम सेट स्टेट की हेल्प से कर सकते हैं, और वो हम कैसे करेंगे, एक बटन के क्लिक पर। सो मैं एक बटन क्रिएट कर लूंगी यहाँ पर, जब मल्टीपल एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं हमें मल्टीपल एलिमेंट को रेंडर कराना है। सो मैं फ्रेगमेंट का यूज़ कर रही हूँ, जो शॉर्ट हैंड सिंटेक्स होता है, उसके अंदर पास करा टाइप इज इक्वल टू बटन। इस डॉट कलर, दिस काफी यूजफुल, आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी भी हम यहाँ स्टेट के अपना जो हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर जो भी हमने या स्टेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज या वैल्यूज को एक्सेस करवाना है वो हम कैसे करवा रहे हैं यहाँ पर, दिस की हेल्प से ही। या क्लास कॉम्पोनेंट आप कह लो, उसके अंदर जो भी हमें कुछ एक्सेस करवाना है। अब जैसे इसके अंदर मुझे एक फंक्शन है चेंज कलर, उसके अंदर जो भी मैं कंटेंट दूंगी उसको एक्सेस करवाना है, तो वो मैं कैसे करवा रही हूँ, दिस डॉट चेंज कलर की हेल्प से ही। दिस डॉट सेट स्टेट, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी को चेंज करना है ना, प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। सो रेड से सेट कर दिया टू ब्लू। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर अब ये बटन अच्छे से दिख नहीं रहा है, कुछ मैंने टाइप ही नहीं करा ना यहाँ पर, टाइप कर देती हूँ चेंज। अब मैं जैसे ही चेंज पर क्लिक करूँगी, ये देखिए रेड से क्या हो गया कलर टू चेंज ब्लू। मैंने फिर से रीलोड करा पेज को, फिलहाल है रेड, चेंज पर क्लिक करा तो अब हो गया ब्लू। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सेट स्टेट की हेल्प से अपने स्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी को जो हमने वैल्यू दे रखी है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से आज स्टेट के बारे में सीख पाए। मोर ओवर आप ये भी सीख पाए कैसे हम स्टेट के अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।